हेलो दोस्तों, तो एक नई वीडियो या एक नया ब्लॉग। आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे उसका नाम है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्यों दुनिया में कामयाब है और लोग ब्लॉगिंग क्यों करते हैं और ब्लॉगिंग क्या है। ब्लॉगिंग जो है एक आर्ट है, ठीक है। ब्लॉगिंग का मतलब वीडियोग्राफी, जिसमें आप अपनी डेली रूटीन, आप जो भी कर रहे हैं, ट्रैवलिंग में जा रहे, कुछ कर रहे, कुछ नया करने वाले, कुछ नया एक्सपीरियंस करने वाले, उसको ब्लॉगिंग कहते हैं। और सब कॉन्टिनेंट में ब्लॉगिंग जो है आजकल बहुत आम है और ट्रेंडिंग पे जा रही है, क्योंकि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, जो भी कर रहे हैं, जिधर भी जा रहे हैं, कोई भी नई चीज़ कर रहे हैं, तो उसको एक वीडियो उसके बनाते हैं और उसको उसके आगे एक बोलते हैं, उनका अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। ये होती है ब्लॉगिंग, ठीक है। पाकिस्तान में बहुत बहुत अच्छे अच्छे और बहुत कामयाब ब्लॉगर्स हैं। आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स हैं। और व्लॉग जो है ना, व्लॉग्स लोग पूरा देखते हैं। अगर उसमें आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, आपको बात करने का तरीका सही आता हो, आप अपना मैसेज अच्छे तरीके से कन्वे कर सकें, तो लोग आपको फॉलो भी करेंगे, आपके ब्लॉग्स भी देखेंगे और आपकी वीडियो पूरी देखेंगे। और व्लॉग जो है ना, स्क्रिप्टेड नहीं होते, व्लॉग्स बस हो जाते हैं। अब जो बड़े बड़े व्लॉगर थे ना, पहले वो व्लॉग्स बनाते थे, स्क्रिप्ट के बगैर बनाते थे, अब वो जो है ना व्लॉगिंग में भी स्क्रिप्टिंग करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो अच्छा बोले, जो चीज़ बोलते शॉर्ट बोले और जल्दी व्लॉग ख़त्म करे, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। व्लॉगिंग जो है ना पाकिस्तान में दिन ब दिन हाइप ले रही है, और इस व्लॉगिंग से हम अपना कल्चर भी दिखा सकते हैं, हम अपनी कंट्री के बारे में बता सकते हैं कि हमारी कंट्री कितनी पुरामन है, हम अपना स्पोर्ट्स को दिखा सकते हैं, जो भी आप अपना एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना व्लॉगिंग में, वो बताएं आप अपनी डेली रूटीन, अपनी स्कूल लाइफ, अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ, जैसे आप घर में रहते हैं, कैसे उठते हैं, कैसे सोते हैं, सोशल लाइफ जैसी भी है ना, आप व्लॉग्स में दिखा सकते हैं। व्लॉग्स जो है ना एक आर्ट है। आर्ट का मतलब है कि आप इसमें कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नई इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे आप नया मोबाइल ले रहे हैं तो व्लॉग बनाए, क्योंकि वो भी आपका पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि आपने पैसे जमा किए, पैसे कमाए हैं या जिधर से भी पैसे लाए, आप अपनी बर्थडे का व्लॉग बना सकते हैं, क्योंकि बर्थडे भी साल में एक दफ़ा होती है और लोग उसको भी एक्सपीरियंस की वीडियो बना के व्लॉग बना सकते हैं। आप अपनी हर चीज़ जो आपकी स्पेशल इक्वेशन है या स्पेशल आपका कोई भी स्पेशल डे या स्पेशल इवेंट है, उसका ब्लॉग बना सकते हैं। जैसे यूनिवर्सिटी की कन्वोकेशन हो गई, कॉलेज का आखिरी दिन हो गया, यूनिवर्सिटी का आखिरी दिन हो गया, उसको एक ब्लॉग का शिकर ले सकते हैं। ब्लॉग जो है ना इसमें कोई कैद बंद नहीं है, आप हर टाइप का ब्लॉग बना सकते हैं और लोग देखना चाहते हैं। जैसे आप कहीं जा रहे हैं, आप जैसे सी व्यू पे जा रहे हैं, आप जैसे हाइकिंग पे जा रहे हैं, आप जैसे ठंडे इलाके में जा रहे हैं, आप गर्म इलाके में जा रहे हैं, आप बीच पर जा रहे हैं, आप किसी कंट्री जा रहे हैं, जैसे USA, UK, कैनेडा, किधर भी जा रहे हैं ना, तो आप उसका वीडियो बनाकर एक ब्लॉग की शक्ल में दे सकते हैं। ब्लॉग में बस खाली होते हैं कि आपको कैमरे के आगे आके बोलना पड़ता है और कुछ भी नहीं है ब्लॉग में। पाकिस्तान में जो ब्लॉगिंग है ना, बहुत बहुत हाइप हो रही है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉगर्स पाकिस्तान में, जैसे इरफान जो है, जो मोरू TDC, और भी अच्छे अच्छे ब्लॉगर जिनके नाम मुझे आते नहीं, लेकिन ये दो अच्छे ब्लॉगर थे जो पाकिस्तान में काफ़ी कामयाब है। अगर आपके ब्लॉग्स अच्छे हुए हैं ना, और अगर आपके पास अच्छी ऑडियंस हुई, आपके पास स्टोरी टेलिंग अच्छी हुई, आपके पास कंटेंट अच्छा हुआ, आपके पास कैमरा अच्छा हुआ, आपके पास माइक अच्छा हुआ, आपके पास जो आप अपनी बात शेयर कर रहे हैं, अगर वो आपके पास अच्छी हुई है, तो आपका ब्लॉग ज़रूर हाइप जाएगा, ठीक है। और ब्लॉग्स ये होते हैं ना कि उससे आपकी यूट्यूब की वीडियो भी पूरी देखी जाती है, लोग इंतज़ार करते हैं कि आपकी वीडियो कब आएगी, कब रिलीज़ होगी, लोग आपकी ऑडियंस वो वीडियो कब देखेगी। और बड़ी बात, काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स आपको अप्रोच करते हैं, क्योंकि आपकी जो शिकल है ना वो कैमरे के आगे आएगी, लोग आपको जानेंगे कि आप क्या चीज़ है, आपका चैनल क्या, आपका कॉन्टेंट क्या, आप क्या चीज़ बनाते हैं, क्या चीज़ अपलोड करते हैं, तो ब्रांड आपको अप्रोच करेंगे कि हमारे लिए ब्रांडिंग करो, हमारी ये करो, हमारा कैमरा इस्तेमाल करो, हमारा मोबाइल इस्तेमाल करो। और व्लॉग्स में ये नहीं कि आप ड्रोन इस्तेमाल करें, आप सिनेमेटिक्स लाए, आप अच्छा कैमरा, अच्छा ये अच्छी चीज़, व्लॉग आप एक सारे मोबाइल से भी बना सकते हैं, खाली आपके पास कंटेंट अच्छा होना चाहिए और आप
कैमरे के आगे आके बोल सके, ये नहीं कि आप डर डर के बोले और ये करके बोले, बस आलिया को कहा कि कैमरे के आगे आके बोलना, क्योंकि व्लॉग में यही है, एक होते हैं ब्लॉग्स और एक होते हैं व्लॉग्स। ब्लॉग्स में होते हैं कि आपको जो भी एक्सपीरियंस होते हैं वो आप लिखते कि लोग पढ़े और ये ब्लॉग होता है, ठीक है। व्लॉग का मतलब है कि कैमरे के आगे के बोलना, जो भी आपका एक्सपीरियंस हुआ वो कैमरे के आगे बोले, रिकॉर्ड करे और अपने पास सेव करते हैं, यूट्यूब पे डालते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे डालते हैं, ये ब्लॉग होता है। और व्लॉग्स जो है ना, व्लॉग्स वो एक ऐसी चीज़ है ना कि 10 साल बाद भी अगर आप कोई बंदा आपका व्लॉग देखे ना तो वो बोर नहीं होगा, क्योंकि व्लॉग्स जो है ना फॉर एवर है। अब किसी को क्या पता है कि आपका क्या एक्सपीरियंस था, और अगर आप समझिए अगर आप 20 साल के, ठीक है, आपने व्लॉग अपलोड कर दिया अपने चैनल पे, ठीक है, 2 साल बाद जब आप वो व्लॉग अपना दोबारा देखेंगे ना तो आपको मज़ा आएगा कि यार ये भी मैंने एक्सपीरियंस किया था, ये भी मैंने चवली मार थी व्लॉग, ये भी किया था, ये भी किया था। बस मेरा काम है आपको बताना कि व्लॉग क्या चीज़ है। व्लॉग जो है एक वीडियोग्राफी है, एक वीडियो स्टोरी है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है, जो भी आपके अच्छे मोमेंट्स है वो आप एक वीडियो की शक्ल बनाते हैं, ठीक है, और उसको सेव करते हैं, कैमरे के आगे बोलते हैं, अपनी स्टोरी टेलिंग करते हैं, अपनी ऑडियंस से आपकी इंगेज होती है कि आपकी डेली रूटीन क्या है, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है। व्लॉग ये चीज़ है, ठीक है। और मैंने भी व्लॉगिंग स्टार्ट की है, क्योंकि पहले मैं कैमरे के आगे आके नहीं बोल सकता था, अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे के आगे आके बोल सकता हूँ और एक ही टेक में वीडियो बनाता हूँ। पहले मैं 10-15 टेक लेता था, अब एक ही टेक में मैं सारी वीडियो बनाता हूँ, और मेरे व्लॉग कोई स्क्रिप्टेड नहीं, बस जो मेरे दिल में आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि व्लॉग में यही होते हैं, दिल से बातें बोल, ये नहीं कि तुम लिख के ये बात मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, मैं ये बोलूँगा, व्लॉग ख़त्म, क्योंकि उससे आपकी ऑडियंस बोर भी होती है और उसमें वो मज़ा नहीं रहता। पहले जो व्लॉगर्स थे वो दिल से बोलते थे और जो जो उनके साथ हो रहा था वो बोलते थे, अब वो स्क्रिप्ट बना के बोलते तो मज़ा नहीं करता। तो आज के व्लॉग में इतना ही, प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, मेरी मुझे इस तरह सपोर्ट करते रहे कि मैं आप लोगों के लिए डेली डेली वीडियोस लाता रहूँ। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।